गुड आफ्टरनून। आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमारा ये आखिरी टॉपिक है। आज से आपका सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो जो भी असाइनमेंट मैंने दिए हैं वह आप कंप्लीट करके रखें। जब भी डेट आपको मिलेगी, आपको कॉलेज में आके या ऑनलाइन जो भी नियम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा या बताया जाएगा। तो उस वक्त को ये नहीं कह रहे कि हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं, उसको बताया जाए। तो आप लोग सारे असाइनमेंट अपने कंप्लीट करके रख लें, हो सके तो आप उसको स्कैन करके रख लें। इससे आपको आराम रहेगा क्योंकि जब हम आपसे करंट में कुछ चीज़ मांगे तो हमको वो आंसर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल मैंने स्टार्टअप किया था, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा क्या बेसिक स्टार्टअप प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। तो शुरुआती दौर में या शुरुआती समय में स्टार्टअप का मुकाबला करने और दूर करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ग्राहक है, बाजार है, एवं उद्यम पूंजी धन के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा सूची बहुत बड़ी है। उद्यम को वॉकिंग डेड में से एक बनने से रोकते हुए उद्यमी इन अनुमानित फिर भी रोकी जा सकने वाली समस्याओं से अवगत होकर ऐसा कर सकता है जो इसके विकास और विकास को प्रभावित कर सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टार्टअप के द्वारा, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेवलपिंग द विजन एंड बिजनेस आइडिया। किसी भी उद्यमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो अपना बिजनेस आइडिया कैसे विकसित करे। आमतौर पर इस तरह की समस्याएं एंटरप्रेन्योर को शुरुआती दौर के होती है कि मैं कैसे अपना बिजनेस आइडिया विकसित करूं, ये उसके लिए एक चुनौती होती है। जब वो किसी अपॉर्चुनिटी से व्यवसाय शुरू करता है, किसी अपॉर्चुनिटीज को लेकर बिजनेस शुरू करता है, तो सही बिजनेस अवसर खोजना या रचनात्मक रूप से विचार विकसित करना निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं है। विचार की कल्पना करना एक उद्यमी का पहला और सच्चा कार्य है। एक उद्यमी के रूप में आपके पास यह देखने की क्षमता होनी चाहिए कि दूसरे क्या नहीं देख सकते, जबकि अन्य लोगों की समस्याएं दिखाई देती हैं, आपको अवसरों को देखना चाहिए। अब रेजिंग कैपिटल फॉर योर स्टार्टअप। आफ्टर डेवलपिंग योर आइडिया the next challenges you are going to face when starting a business from scratch is that raising capital. As an entrepreneur, you are the only one that knows business your idea to the core. You are the only one that knows story of your future. अपने विचार को विकसित करने के बाद अगली चुनौती जो आपके सामने शुरू होने वाली है वो है पूंजी जुटाने। एक उद्यमी के रूप में आप केवल वही हैं जो व्यवसाय को आपके विचार को मूल रूप से जानते हैं। आप अकेले हैं जो आपके भविष्य की कहानी जानते हैं। निवेशकों को किसी ऐसी चीज के बारे में समझाने की कोशिश करना जो
अवेलेबल नहीं है, निश्चित रूप से एक चुनौती है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करना कि आप भरोसेमंद हैं और काम के बराबर हैं, बच्चों का खेल नहीं है, खासकर जब आप अपना पहला व्यवसाय बना रहे हैं। फिर आता है मार्केट प्रॉब्लम। तो मेजर रीजन वाई कंपनीज से इज दैट दे रन इनटू द प्रॉब्लम ऑफ देयर बीइंग लिटिल और नो मार्केट फॉर द प्रोडक्ट दैट दे हैव। कंपनी विफल होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के लिए कम या कोई बाजार नहीं होने की समस्या में भाग लेते हैं। बिजनेस मॉडल फेलर, स्टार्टअप की दुनिया में विफलता के सामान्य कारणों में से एक ये है कि उद्यमी इस बात को लेकर बहुत आशावादी है कि ग्राहकों को हासिल करना कितना आसान होगा। वो मानते हैं कि क्योंकि ये एक दिलचस्प वेबसाइट उत्पाद या सेवा का निर्माण करेंगे जिससे ग्राहक उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। ये पहले कुछ ग्राहकों के साथ हो सकता है, लेकिन उसके बाद ग्राहकों को आकर्षित करने और जीतने के लिए ये तेजी से एक महंगा काम बन जाता है। और कई मामलों में ग्राहकों को प्राप्त करने की लागत वास्तव में उस ग्राहक के आजीवन मूल्य से अधिक होती है। पुअर मैनेजमेंट टीम, एक अविश्वसनीय रूप से सामान्य समस्या जिसके कारण स्टार्टअप विफल हो जाते हैं, वह एक कमजोर प्रबंधन टीम है। कमजोर प्रबंधन दल रणनीति जैसे कई क्षेत्रों में गलतियां करते हैं। ऐसे उत्पाद का निर्माण करना जिसे कोई भी खराब मार्केटिंग रणनीतियों आदि को खरीदना नहीं चाहते हैं, वो आमतौर पर एग्जीक्यूशन में भी खराब होते हैं, उससे उत्पाद सही ढंग से या समय पर नहीं बन पाता और बाजार में जाने का एग्जीक्यूशन खराब तरीके से लागू किया जाता। लिक्विडिटी या कैश क्रंच, स्टार्टअप के विफल होने का चौथा प्रमुख कारण यह है कि उनके पास नकदी की कमी हो गई। सीईओ का एक प्रमुख काम यह समझना है कि नकदी कितनी बची है और क्या ये कंपनी को ऐसे मील के पत्थर तक ले जाएगी जिसमें एक सफल वित्त पोषण हो सकता है या नकदी प्रवाह सकारात्मक हो सकता है। कैश फ्लो, कैश क्रंच, इसी को लिक्विडिटी भी बोलते हैं। प्रोडक्ट प्रॉब्लम, अनदर रीजन दैट कंपनी फेल because they fail to develop a product that meets the need. एक और कारण है कंपनी विफल होने का कि वो बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पाद को विकसित करने में विफल रहती है। ये तो सरल एग्जीक्यूशन के कारण हो सकता है या ये कहीं अधिक रणनीति समस्या हो सकती है जो उत्पाद में फिट होने में विफलता है। ज्यादातर समय पहला उत्पाद जो एक स्टार्टअप बाजार में लाता है वो बाजार की जरूरत को पूरा नहीं करता। फाइंडिंग गुड एम्प्लॉई, व्यवसाय के मालिक जानते हैं कि एक मेहनती भरोसेमंद कर्मचारी को ढूंढना कितना मुश्किल है। अधिकांश कर्मचारी कम काम करना चाहते हैं और अधिक भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। एक अच्छा कर्मचारी ढूंढना जो अपनी सेवाएं देने के लिए जुनूनी हो काफी मुश्किल है। अपने किराए के कर्मचारी को एक टीम में गढ़ने की व्यावसायिक चुनौती की तुलना में अच्छे कर्मचारी खोजना एक छोटा काम है। आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ को काम पर रखने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी को अतिरिक्त लचीलापन देती है उन्हें इस क्षेत्र में भरत हासिल होगी, बिल गेट्स ने कहा है। यदि आपके पास कसाई की दुकान है तो शाकाहारियों को किराए पर ना लें।
सही लोगों को काम पर रखने के लिए आपको गलत लोगों को जाने देना होगा, रिच डैड। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक स्टेटमेंट पास करते हैं, जैसे बिल गेट्स ने क्या हुआ, आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ को काम पर रखने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जो कंपनियां अपने कर्मचारी को अतिरिक्त लचीलापन देती है उन्हें इस क्षेत्र में बढ़त हासिल होगी। जितना फ्लेक्सिबिलिटी आप करेंगे कर्मचारी के साथ, उतना वो मन लगा के काम करेगा। ये बिल गेट्स का कथा। रिच डैडी क्या बोलते हैं, ये आपके पास कसाई की दुकान है तो शाकाहारी व्यक्तियों को किराए से लें, उन्हें काम पर मत रखें। सही लोगों को काम पर रखने के लिए आपको गलत लोगों को जाने देना होगा। फाइनली गुड कस्टमर। खरोंच से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में आपको आपके सामने अगली चुनौती अच्छे ग्राहक ढूंढ रही है। एक व्यवसाय बनाने की प्रक्रिया में आपको पता चलेगा कि अच्छे ग्राहक भी हैं और बुरे ग्राहक भी हैं। आपको बुरे ग्राहकों से सावधान रहना चाहिए। अच्छे ग्राहक वास्तव में मुश्किल से ही मिलते हैं। एक अच्छा ग्राहक अपनी आपकी कंपनी के प्रति वफादार होगा, और अगर आप कोई गलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो वो आपको माफ करने के लिए तैयार होगा। एक अच्छा ग्राहक सही काम करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे और कंपनी और आपकी कंपनी दोनों को परस्पर लाभ होगा। खराब ग्राहक हमेशा कंपनी की नीति में खामियों का फायदा उठाने और कुछ लाभ कमाने की तलाश करेंगे। बुरे ग्राहक हमेशा कंपनी की सद्भावना का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कंपनी को खत्म करने के तरीकों की तलाश करेंगे। बुरे ग्राहक खराब कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, अच्छे ग्राहक आपके व्यवसाय का निर्माण करते हैं और बुरे ग्राहक हमेशा आपके व्यवसाय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब कंपटीशन के साथ डील कैसे करेंगे। प्रतिस्पर्धा एक और चुनौती है जिसका आप व्यवसाय शुरू करते समय सामना करेंगे। अधिकांश व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को एक प्लेट के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चुनौती है। ये रचनात्मक के लिए एक बेंचमार्क है, मेन इंजन जो महान कीमतों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों को, नवाचार और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा के बिना कोई भी नवाचार नहीं होगा और नवाचार के बिना दुनिया स्थिर हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा हमें अपने पैर की उंगलियों पर रखती है और हमें अपने उत्पादों और सेवाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आपको चेतावनी दी जानी चाहिए, प्रतिस्पर्धा आपके व्यवसाय को, आपके ग्राहकों की नजर में अपनी प्रसन्नता को खो सकती है। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। व्यवसाय में यदि आप दौड़ते रहे तो प्रतिस्पर्धा आपको काटेगी, यदि तुम स्थिर रहोगे तो वे तुम्हें निगल लेंगे। विक्टर कियामो ने बोला कि व्यवसाय में यदि आप दौड़ते रहे तो प्रतिस्पर्धा आपको काटेगी, यदि तुम स्थिर रहोगे तो वो तुम्हें निगल लेंगे। इसलिए कंपटीशन का सामना करने में घबराना नहीं चाहिए। अब अनफोर्सिन बिजनेस चैलेंजेस एंड एक्सपेंसेस। जिस तरह एक नाविक अप्रत्याशित तूफान के लिए तैयार रहता है, तैयारी करता है, जिस तरह एक पायलट हमेशा अप्रत्याशित खराब मौसम और गरज के लिए नजर रखता है, उसी तरह एक उद्यमी को जो कुछ भी आता है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस कैन कम इन द फॉर्म अनएक्सपेक्टेड लीगल सूट, इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ फ्रॉम सेंसिटिव ऑफिस, बैड डेट फ्रॉम कस्टमर, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, ड्विंडलिंग वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ये व्यवसायिक चुनौतियां हैं, यदि ठीक से नहीं संभाली गई एक सफल व्यवसाय बनाने की आपकी योजना को बर्बाद कर सकती है। एक और चुनौती जिसकी आपको उम्मीद करनी चाहिए वो है व्यवसायिक खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि। ये ठीक से संभाला नहीं जाता तो
तो इसके परिणाम स्वरूप निरंतर नकारात्मक नगदी प्रवाह हो सकता है और अंततः व्यापार विफल हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि ये नवाचार और रचनात्मक का समय है। कोई भी व्यवसाय विफल हो सकता है यदि लगातार कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया गया। तो स्टार्टअप में वित्तीय व्यवहारता की कमी होती है और उन्हें हमेशा नकदी की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए R&D करना मुश्किल होता है। क्या मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? स्टार्टअप बनाना या किसी भी व्यवसाय का प्रबंधन करना समस्या समाधान के बारे में है। कुछ लोग इसमें अच्छे हैं और कुछ नहीं। जो लोग समस्या समाधान में अच्छे होते हैं वो हर क्षेत्र में सबसे मूल्यवान और सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। वास्तव में सफलता को अक्सर समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कई संस्कृतियों में इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। इसे बुक स्मार्ट से भी अधिक महत्व दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों के पास दोनों है। उद्यमी जो किसी व्यवसाय के भीतर बड़ी समस्या हल करने वाले होते हैं वो अपने ग्राहकों की जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। कुछ फॉलोइंग्स आर सम सिंपली वे टू सॉल्व और मिनिमाइज द स्टार्टअप प्रॉब्लम, जैसे डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। कई अधिकारी समस्या को समझने से पहले तुरंत सावधान मोड में कूदना पसंद करते हैं। कुछ मामलों में अनिश्चित कारणों के साथ एक छोटी सी समस्या बड़ी हो सकती है। सभी मामलों में वास्तविकता स्पष्टता आदि की राय को तेज करेगी। फॉर अल्टरनेटिव याद रखें, कुछ चीज ऐसी है जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो समस्या नहीं है, केवल जीवन के तत्व है। अक्सर जो समस्या प्रतीत होती है वो वास्तव में देश में एक अवसर है। भले ही अवसर ना बने उद्यमी को बैठक के रास्ता अपनाना चाहिए। आइडेंटिफाई द काज ऑफ द प्रॉब्लम, किसी लक्षण का इलाज करने के बजाय समस्या के मूल कारण का पता लगाएं, क्योंकि यदि मूल कारण को नहीं समझा गया तो समस्या की पुनरावृत्ति होने की संभावना शायद विभिन्न लक्षणों के साथ। आइडेंटिफाई मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, आप जितने अधिक संभावित समाधान विकसित करेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप सही समाधान के साथ आएंगे। समाधान की गुणवत्ता समस्या समाधान में विचार किए गए समाधानों की मात्रा के सीधे अनुपात में प्रतीत होती है। मेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन, कोई भी समाधान चुने और फिर कार्रवाई के बारे में निर्णय लें। आप जितना अधिक समय तक निर्णय लेना बंद करेंगे लागत उतनी ही अधिक होगी और प्रभाव उतना ही अधिक होगा। कई स्टार्टअप को निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है और ये विफलता का कारण बन जाता है। एक्नॉलेजमेंट एंड करेक्ट, नाराज या शर्मिंदा होने के बजाय जब आपका उत्पाद अच्छा नहीं करता या कोई व्यक्ति अपने ब्रांड को ऊपर उठाने के प्रयास में आपके ब्रांड को खराब करता है तो समस्या को अपने ग्राहकों या प्रतिस्पर्धा से जुड़ने के लिए सीधा मार्ग के रूप में देखें। यदि आपके ग्राहक नाखुश है तो समस्या को ठीक करें। यथासंभव दुबला पतला संचालन करना चाहिए। निर्माण से लेकर प्रशासनिक कार्यों तक हर प्रक्रिया में लागत में कटौती करने का प्रयास बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। स्टार्टअप को इन प्रयासों में कर्मचारियों को भी शामिल करना चाहिए। वो खुशी खुशी लागत में कटौती करें और उद्यमी के दृष्टिकोण को समझें। ओवरकम योर फियर्स ऑफ रिस्क टेकिंग बाय कन्फ्रंटिंग देम हेड ऑन। एक उद्यमी होना जोखिम भरा व्यवसाय है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय संभावित रूप से आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है या मदद कर सकता है। आपकी प्रवृत्ति पर भरोसा करने अपने निर्णयों के पेशेवर पेशेवरों और विपक्षों के बारे में खुद को शिक्षित करने और किसी अन्य उद्यमी से दूसरी राय प्राप्त करने में विश्वास करें जिस पर आप विश्वास करते। फार्मुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटजी, रणनीति के बिना परिवर्तन केवल प्रतिस्थापन है, विकास नहीं। किसी भी समस्या के
समाधान के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। स्टार्टअप समस्या के भीतर निहित परिवर्तन की रणनीति की पहचान करने के बजाय किसी समस्या को विच्छेदित करने का प्रयास करते हैं। प्रभावी स्टार्टअप हमेशा ही जानते हैं कि पिछले अनुभवों से सही लोगों, संसाधनों, बजट और ज्ञान को कैसे इकट्ठा किया जाए। वे समस्या समाधान प्रक्रिया को अत्यधिक सहयोगी बनाकर लोगों को अपने खेल को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके लिए ये लोगों को करीब लाने का अवसर है। तो ये था आपका आखिरी टॉपिक 50 मिनट का, जो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको पढ़ें, मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा। ओके, कोई जुड़ा नहीं है। थैंक यू।